right now. आइए अब हम चलते हैं विजय मंडल के ऊपरी माले पे, देखते हैं कि आगे क्या नजारे में देखने को मिलते हैं। जैसा कि मेरे दोस्त रोहित ने बताया कि ये रास्ता काफी दरअसल ये काफी पुराना था। नमस्ते। बहुत बड़ी नजर आ रही तो ये जैसे कि देख रहे हैं ये काफी साल पुराना है और आई थिंक ये पास भी हो चुका है, इसको आई थिंक रिनोवेशन ही हुआ था, लेकिन पता नहीं दिल्ली अथॉरिटी कर क्या रही है। इतनी अच्छी जगह को ये कैसे इतना तमाश हो सकता है। देखो साइड में से देख रहा है उनसे, ये है वो, देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है। कोई ऐसी चीज़ को ऐसा कैसे छोड़ सकता है टूटने के लिए। यहाँ से देखो मैं ऊपर थोड़ा आगे दिखाता हूँ, और ये जैसे कि ये ऊपर देखिए उस साइड काफ़ी पुरानी है, इसके पत्थर ही सब कुछ बया कर रहे हैं, जैसे सबसे पत्थरों से ये बनाई गई है। ये पत्थर आज के नहीं, काफ़ी साल पुराने बनाने का तरीका था जिससे किसी चीज़ को मजबूती दी जाती थी, और उसको बड़ी अच्छी तरह से यूज़ करा गया है जिसके साथ ये पूरी डूम खड़ी कर दी। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, ऊपर जाए इस जर्जर इमारत पर चढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ किस तरीके की बनी हुई हैं, और थोड़ा अलग ही फील हो रहा है, घुटन टाइप थोड़ा फील सा हो रहा है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ जा रहा है, धीरे धीरे हम विजय मंडल के ऊपरी सतह पे जा रहे हैं, जहाँ पे बूढ़े खुल के हमें भवन का रूपरेखा देखने को मिलेगा, और ये काफी जर्जर स्थिति में है। जी आते हैं पहले पासवे में, ये दिखने में काफ़ी नॉर्मल दरवाजे सा है, और शिवेंद आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसको बनाया गया है, और इसमें कुछ मॉडर्न कारीगरी का है, और ये लोहे की कबाया कर रही है। चलो आ गया इतना देखिए दिखे, और ये देख रहे हैं एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर एक गुफा है, और जो भयानक गुफा है जिसे देखते ही लोग चकमा जाएंगे कि आखिरकार है क्या ये। और देख रहे हैं मेरा तो घुटन जी हो रहा है। ओहो, ये तो बिल्कुल ऐसी जर्जर सुर्पियां जो जिसको देख कर गई अंदर कैसी फीलिंग। आप लोग आ रहे हैं ऊपर और देख सकते हैं कि सीढ़ियां एकदम जैसे पुराने महलों की तरह दिखाया जाता है, उसी प्रकार से ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग मूर्तियां टाइप का है। और हम जैसे ऊपर आ रहे हैं जैसे इस साइड का भी देख सकते हैं, जैसे इसे किसी तरह से बना के बंद कर दिया गया है। बहुत ही जर्जर स्थिति में है ये, और जैसा कि आप ये सीढ़ी का पैसेज देख सकते हैं, ये देखिए होल है, ये क्या है, ये देखिएगा किस तरीके से बनाया होगा, ये क्या किया होगा इसके साथ, देखिएगा यहाँ ये देखो गुफा है, किस तरीके की गुफा है, और ये अंदर तक है, बहुत अंदर तक है, इसकी सतह दिख रहे हैं आप किस तरीके से, बहुत अंदर तक, काफी अंदर तक है कुछ इसके। आई थिंक ये जो खिड़की आपको दिख रही है ये किसी के ऊपर नजर रखने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए यूज करी जाती होगी, क्योंकि बहुत पतला सा होल है जहाँ से सिर्फ थोड़ी ही दूर तक दिखाया जा सकता है। हम कह सकते हैं पूरी तरह से ये टोटली पुराने जमाने की तरह से बनाया गया जर्जर इमारत है।
जिसको बीच में छोड़ दिया गया है। कई वर्षों पूर्व बनाई गई है इमारत मुगलों द्वारा। यहाँ पर ये सब जर्जर हो चुकी है, लेकिन आज हम यह देखने आए हैं कि यहाँ पर जो बताया जाता है कि यहाँ भूत प्रेतों का छाया है, उस भूत प्रेतों का छाया को यहाँ देखने के लिए हम आए हैं। आज हम इस रात पूरी रात्रि हम यहीं पर इस नजरिया को देखेंगे, आखिरकार है या कुछ नहीं। इस झूठ और सच का आज नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, सो वी आर फीलिंग वेरी स्कैरी बिकॉज एज वी हैव सीन दिस पैसेज ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इज वेरी कंसिस्टेंट, सो वी आर फीलिंग वेरी टेरिफाइड एंड आई एम स्टिल इन हॉरिफाइड सिचुएशन बिकॉज दिस मॉन्यूमेंट इज टोटली इज हॉरिबल। We cannot define this monument in a single word. Yes, Himanshu, you are totally correct. This place makes me really overwhelmed. I even don't know what we're going to do or the next thing. You know, just see this. You know, how much this is abandoned and how far. I also don't know what's the last time one come over here. Absolutely. There's also one thing. People say this place is jinxed and cursed. We don't know. Let's check it out. Is it jinxed or not? Is it right or not? वीरानों के बीच हम जर्जर भवन से निकलकर आ चुके हैं, जो कि काफी रोचनीय है। यह भवन जहां आकर काफी मासूमियत से फील होती है, लेकिन आखिर वह क्या वजह है जिसके कारण यह महल वीरानों के बीच में भी मासूमियत की छाया देख नहीं पा रही है। इस वीराने से पल में किस प्रकार से यह जर्जर भवन मौजूद है, इसकी खुद की व्यथा को हम बयान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी तक हमने पूरा विजय मंडल एक्सप्लोर करा है। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा, हिमांशु इन सबसे, कि काफ़ी हॉन्टेड जगह है। हमें भी नहीं पता था ये जगह इतनी हॉन्टेड है, लग भी नहीं रहा था कि जगह इतनी ज़्यादा सीरियस निकलेगी। अभी मैं एक नैरो सी जगह में खड़ा हूँ, एक हमें कुछ जगह मिली अंदर, आप देख सकते हैं बहुत नैरो है, बस मैं एक ही बंदा यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो चुका है, टेम्परेचर काफ़ी लो पे जा चुका है। तो अभी देखते हैं इस जगह में क्या मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हॉन्टेड लग रही है। आपको हमें देख के ही लग रहा होगा। लेट्स गो गाइस। यार मौसम बहुत ठंडा है, हवा काफी तेज चल रही है, और सच में बताऊं मुझे अभी इस समय नेगेटिविटी फील हो रही है, काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही है इस समय। और ये जो दरवाजा देख रहे हैं, ये टूम सा है, आइए इसे अंदर देखते हैं इसको। ये काफी ज्यादा हॉरिबल है ट्रूली गाइड्स। मैं नीचे आ रहा हूँ, ये कुआं सा छोटा सा, और मैं यहाँ उसी गुंबद की साइड आ रहा हूँ। वहीं रहियो, वहीं रहियो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है, इतना सफोकेशन है गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे काफ़ी पुराना तेरा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये काफ़ी टूटा हुआ है, जर्जर है बिल्कुल। ये इसे शिविर ऊपर ऊपर है, जरा इसको बहुत जल्दी देखिए क्या है। ये जगह टोटली स्पेल बाउंड है, इस जगह के अंदर तुम जितना डरा ले सकते हो ना उतना ही है, और तुम सोचते हो वैसा ही दिखता है, और जैसा नहीं सोचते हो या वही दिखता है। आप लोगों के हिसाब से नेगेटिविटी क्या, आप लोगों के हिसाब से नेगेटिविटी क्या होती है? क्या वो ये होती है कि आप कोई रूम काँप जाए? और इस समय मेरे से कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं यहाँ पर विजय मंडल की उस इमारत में हूँ जहाँ पर सब कुछ जर्जर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ बचा है तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा कुछ आर्क, जैसे मैं इस आर्क के पास खड़ा हुआ हूँ, ये आर्क काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। इसका बनाने का तरीका कितना पुराना। शिवेंद्र, काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पे, बहुत सन्नाटा है, सही बता रहा हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? अभी पौने बारह हो रहे हैं, पौने बारह हो रहे हैं, और कोई नहीं है सीरियसली यहाँ पे, बिल्कुल कोई नहीं है। बस मैं, अभिषेक और दो लोग और हैं, वो बिल्कुल बाहर की साइड है, बिल्कुल बाहर की साइड है। और इस समय मैं शिवेंद्र बिल्कुल अंदर आए हुए हैं, बिल्कुल अंदर आए, ये इस टूम के अंदर है, बिल्कुल हम इस टूम के एकदम अंदर हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सालों से कुछ नहीं हुआ है, जो है वैसा का वैसा ही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, यहाँ कुछ नहीं। और यहाँ पे सही में नेगेटिविटी है यार, मुझे कुछ अंदर से वाइब्स आ रही हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, एंड आई एम स्वेटिंग गाइस, सीरियसली आई एम स्वेटिंग यहाँ, सीरियसली कुछ है। दिखेगा नहीं, क्या पता हमें ना दिखे, लेकिन एक फीलिंग जो होती है ना हॉन्टेड की, यार वो सही में है यहाँ पे, सीरियसली। इतने ठंडे मौसम, इतने गर्म मौसम में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो है, बहुत लो है।
स्वेटिंग भी, लेकिन फिर भी यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो है। मैं वो फील कर सकता हूँ, वो कोल्डनेस उसमें फील कर सकता हूँ। जब वो स्वेटिंग पे हवा लगती है ना ठंडी ठंडी, बहुत ठंड लगती है यार सही में। अभी ठंड हमारा डर है या कुछ और मुझे पता नहीं, देख सकते हैं आप। यार सो गाइस, और बताऊँ उसके बारे में, तो यहाँ पे खड़े होके मैं इसी जगह खड़ा हूँ, यहाँ से पूरा ऊपर दिख रहा है और ये जगह काफ़ी हॉन्टेड लग रही है यार। सही बताओ, टू बी ऑनेस्ट, इन झाड़ी के बीच खड़ा हूँ, मुझे लगता नहीं कि यार मुझे तक कभी कोई पीछे पहाड़ खींचे, लेकिन जो भी हो हमने इधर कवर कर लिया। सो गाइस, हमने इस समय विजय मंडल कंप्लीट कर ही लिया और इसको कवर कर लिया। ये जगह काफ़ी ज़्यादा रोमांचक थी और इसकी सीढ़ियाँ, इसके टर्न्स, ओ माय गॉड सो सॉफ्ट यार, क्या बताऊँ। पत्थर सरक रहे थे, वो देखो शिव मैं थोड़ा ज़रा फोकस कर लाइट, लेकिन वो पत्थर देख रहे हैं ना आप, वहाँ खड़े होने पर पत्थर गिर रहे थे। अब सोचिए हम वहाँ पे खड़े हैं, पैर सरकता नीचे आते हैं, भूत तो छोड़ो हम ही भूत बन जाते हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मस्ती भी की और काफ़ी रोमांचक माहौल था, जहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब हम लोग जंगल के रास्ते से बेगमपुर मस्जिद की ओर जाएंगे और जहाँ पे हम आगे खूब फन भी करने वाले, खूब मस्ती भी करने वाले हैं, और वहाँ के बारे में आप आगे हम लोग देखेंगे कि वहाँ क्या रोमांच है, क्या मस्ती है।